चुनाव पहले नहीं करवाते तो उसका कारण तो ये हो सकता है कि वो 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उनके नतीजे देखना चाहेंगे कि क्या होता है। करवाना चाहेंगे तो ये कि वो जो 5 राज्यों में जो तैयारी हो रही है, मुझे लगता है लोकसभा की तैयारी हो रही है, इसके पहले कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं। आईएएस की परीक्षा होती है, यूपीएससी की, पीएससी की परीक्षा होती है, नतीजे आते हैं तो डाक से नतीजे आ जाते हैं और आजकल तो मेल इंटरनेट पे आ जाते हैं, वेबसाइट पे आ जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर डाक से आ जाते हैं। इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो नियुक्ति पत्र खुद देते, प्रमोशन होता तो चिट्ठी खुद देते, नतीजा होता है तो मंत्री लोग नतीजे बताते। तो ये तो ऐतिहासिक घटनाक्रम है इस देश में कि जो कुछ हो रहा है ऐतिहासिक हो रहा है और जिस तरह की कोशिश उन्होंने की है। दरअसल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात अगर की जाए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरह चुनाव की तैयारी है, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो जो फैसले थे, जो घोषणाएं थी, उन सब घोषणाओं पर अमल का काम आजकल बीजेपी कर रही है जी। प्रियंका गांधी ने 21 जुलाई को ग्वालियर में कहा था कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, 200 यूनिट तक हाफ प्राइस पे होगी। शिवराज सिंह चौहान ने 1000 रुपए देना शुरू किया लाडली बहनों को, इस बार उन्होंने 250 रुपए डाकी पे बोनस दे दिया और कहा कि अक्टूबर में हम 1250 रुपए देंगे और अगर हो सका तो हम आपको 3000 रुपए देंगे। और एक और बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कही जो मेरे क्या किसी के भी गले नहीं उतरी, उन्होंने बहनों से कहा, बहनों हमें एक होना चाहिए ताकि हमारी बात हम मनवा सकें और कोई भी हमें मिसगाइड ना कर सके। तो भाई कौन बहनों को मिसगाइड कर रहा है? और बस उन्होंने अपने पूरे भाषणों में एक ही बात नहीं कही कि सारी बहनों हम आपको लाडली बहना योजना में पैसे दे रहे हैं तो हमें विधानसभा का भी में भी वोट दीजिए और लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी वोट दीजिए। और ये कहना भी भूल गए कि देखिए ये जो लाडली बहना योजना में आप महिलाओं को पैसा दे रहे हैं ये लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा, तो देते रहिए। तो तैयारी तो उनकी पूरी लोकसभा चुनाव की है। अमित शाह 3 तारीख को फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश और हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश में ही भोपाल में ही अपना मुख्यालय बना लें ताकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में निगरानी कर सकें। लेकिन इन सब चीजों से लगता है कि बीजेपी की तैयारियां पूरी हैं और कोई घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। जैसे कि उनकी आदत है, उनकी घोषणाओं में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है, चकित कर देने वाली बात होती कि देखो मैंने ये कर दिया। तो ये चकित कर देने वाली बात उनके उनके तमाम उनकी तमाम घोषणाओं में रहती कि व्यक्ति चकित रह जाए कि अरे वाह क्या कर दिया जी। अब जैसे आज उन्होंने कल घोषणा कर दी गई कि T1 दिल्ली के एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल को पे 10 लाख यात्री, इतने लाख यात्री आ सकेंगे, 10 लाख यात्री। तो इस तरह की घोषणाएं करने के आदि हैं, लेकिन नहीं करने का एक अंदाज मुझे ये लगता है कि इन सभी राज्यों के नतीजे देखेंगे वो। ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे जिसकी सरकार है, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी अंगूर खट्टे हैं। तो देखना चाहेंगे कि इन तीनों राज्यों में, और तेलंगाना भी एक प्रमुख राज्य है, मिजोरम भी महत्वपूर्ण है, पर तेलंगाना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां ज्यादा सीटें लोकसभा के लिए। तो वो चावल, वो टेस्ट, जो बाजार में कोई भी नया प्रोडक्ट आता तो पहले टेस्ट ट्रायल लेता है, नया कोई साबुन आता तो पहले वो एक शहर में सारे लोगों को दुकानों पर साबुन बेचता है, कहता भाई आप बताओ कैसा साबुन है, वहां चलेगा तो चलेगा। तो वो टेस्ट मार्केट को टेस्ट कर रहे हैं मोदी जी, और मार्केट में टेस्टिंग के जो नतीजे आएंगे मुझे लगता है इसके बाद ही वे कोई फैसला लेंगे, या अगर उन्हें लगा कि जैसे जैसे विलंब होता जाएगा वैसे वैसे राहुल गांधी की लोकप्रियता आज 3% ज्यादा बताई गई है, कल को अगर वो 30% और बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो मोदी जी तमाम बातों पर सोचकर कोई फैसला ले सकते हैं। लेकिन मोदी जी के फैसले उनके अपने होते हैं, मंत्रिमंडल का फैसला नहीं होता, बीजेपी का फैसला नहीं होता, आरएसएस का फैसला नहीं होता, ये बात तो तय है। राजीव जी, राजनीतिक करियर देखें तो उन्होंने जो समझौते किए हैं वो बहुत राजनीति, अपनी निजी राजनीति के लिए किए हैं, और कोई मौका अगर उन्हें मिलेगा तो वे जरूर उस मौके का लाभ उठाने से चूकेंगे नहीं,
ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उन्हें पता है कि ये विधानसभा चुनाव में उनकी दाल नहीं गलने वाली, और इंडिया अलायंस जो बना है वो मूल रूप से उसकी संरचना की गई है आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, वरना इतने तो दिन में मीटिंग नहीं करते, जल्दी जल्दी मीटिंग कर लेते, हर हफ्ते मीटिंग कर लेते, लेकिन वो धीरे इसलिए चल रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव निपट जाएं या 6 राज्यों के चुनाव निपट जाएं, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव का लक्ष्य बना के रखा गया। दूसरी बात यह है कि जो डबल इंजन की सरकार है, उसके अभी हमारे एक साथी ने कहा कि डबल इंजन हमेशा ज्यादा शक्ति नहीं देता, 2 इंजन अगर दूसरी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में लगे हो तो बहुत बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो ये भी देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि नगर निगम में अगर पार्षद कांग्रेस का है और वो काम नहीं करता तो लोग कांग्रेस को विधानसभा में वोट नहीं देते या लोकसभा में वोट नहीं देते, बीजेपी का पार्षद अगर काम नहीं करता। तो राज्यों में जो फजीयत हो रही है लोगों की, राज्यों में लोग जो परेशान हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो उसका उसका बदला लोकसभा चुनाव में भी लें। वो कहें कि मोदी शाह ने ही इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है, अब देखो इनको सबक सिखा देंगे। देखिए, फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले आदि पुरुष, उसमें बहुत प्रचार किया गया था कि ये फिल्म आई है, उसका ट्रेलर आ रहा है, उसका डीए आ रहा है, प्रोमो आ रहा है, ये सब कुछ आ रहा है, लेकिन फिल्म हो गई फ्लॉप क्योंकि कंटेंट में दम नहीं था। तो अब इस तरह जो मोदी सरकार प्रचार करे कि हम चिट्ठी भी देंगे, हम नियुक्ति पत्र भी देंगे, हम स्कूटी की फोटो भी हम छपवाएंगे, भंडारा भी हम करेंगे, सब चीजें लोग कर रही है, तो ये नुकसान भी है क्योंकि जब ओवर एक्सपोज कोई भी प्रोडक्ट होता है, बहुत ज्यादा विज्ञापन हो गया कि आदि पुरुष हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, कि उनका उस फिल्म की तरह हो गई कि बहुत विज्ञापन, ये फिल्म आ गई, ये फिल्म आ गई। ये तो मैं तो बहुत उनकी कृपा मानता हूँ मोदी जी की, कि उनकी बड़ी कृपा है कि उन्होंने उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट ही रखा। वो दीनदयाल उपाध्याय पॉइंट भी रख सकते थे, खुद नरेंद्र मोदी के नाम पे भी रख सकते थे, लेकिन शिव शक्ति रखा उन्होंने। तो बड़ी कृपा उनकी, गोलवलकर जी के नाम पे भी हो सकता, किसी के नाम पे भी हो सकता, लेकिन शिव शक्ति रखा उन्होंने। तो विश्व के 100 करोड़ हिंदुओं पे उन्होंने बड़ा एहसान किया है, ये माना जा सकता है, लेकिन ये भी बैकफायर हो सकता है क्योंकि अति करना हमेशा अच्छा नहीं होता और अति करने का कोई नतीजा निकलेगा नहीं। चांद पे हम गए हैं तो कोई एकाएक तो गए नहीं है, किसी ने इस तक लाने के लिए स्कूल बनवाए, किसी ने अस्पताल बनवाए, किसी ने इसरो बनाया, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे वैज्ञानिक जहाँ से पढ़ के निकले वो संस्थान बनाए। तो ये सब बातें एक हद तक ही ठीक है। एक इवेंट जब आप करते हैं तो एक बड़ा LED लगा दीजिए, झमाझम लाइट लगा दीजिए और अनार छोड़ दीजिए, छूट जाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को पढ़ाना हो तो उसमें 10-15 साल 20 साल लगते हैं किसी को पढ़ाने में। वो एकाएक LED लगा के अनार के विस्फोट करने, अनार चलाने जैसा नहीं है। तो ये जो LED जल रहे हैं अभी, जगमगा रहे हैं स्टेज पे बड़े बड़े, ये LED कितने देर तक चलेंगे, क्योंकि इनकी चमक टेम्परेरी है। राजीव जी, चमक जो